हेलो स्टूडेंट, आज से स्टार्ट करेंगे मैथ में प्रतिशत परसेंटेज। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, व्यापम हो या PSC हो, आप सबको पता है कि मैथ का जो सिलेबस बनता है उसमें परसेंटेज का एक अपना अलग ही महत्व होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत वो भिन्न होता है जिसका हर 100 हो। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम ऐसे बात करते हैं प्रतिशत, ऐसा हमारा प्रतिशत को डिनोट करते हैं, तो प्रतिशत का मतलब ही होता है हर में 100, मतलब बटे ग्रुप में 100। मतलब यदि हम कहें x प्रतिशत लिखें तो इसका मतलब होता है x और बटे में ऐसा 100, तो इसका मतलब होता है प्रत्येक 100 का 100वां भाग। ठीक है, इसको कैसे पढ़ते हैं, प्रति मतलब एक और शत मतलब 100, मतलब 100 का 1वां भाग हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो ये जो चिन्ह है हमारा प्रतिशत का, इसका मतलब है कि जिस संख्या के साथ प्रतिशत लगा है उसमें आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 1/100 को, ये हमारा क्या है, प्रतिशत कहलाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी प्रतिशत में जो क्वेश्चन आता है उसको सॉल्व करने के लिए जो दो तरीका बताऊंगा मैं आपको, एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये आपके बड़े क्वेश्चन को आसानी से 20 से 25 सेकंड में बनाने में मदद करेगा। कुछ क्वेश्चन के लिए ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको देखते ही 2 से 3 सेकंड में भी आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये देखिए जैसे दे देगा आपको 50% है, अब इसको भिन्न में बदलिए। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, बट ये आपको बेस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका क्या मतलब हुआ इसका, कि मतलब ये है कि यदि 50% लिखा हुआ है, जैसे आप सबको पता है 50-50 बोलते हैं, मतलब आधा आधा, तो इसका मतलब यहाँ से कैसे निकला, तो 50 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो ये देखिए आप यदि इसको काट देते हैं 0 से 0, तो 5 एकम 5, 5 2 9 10, इस प्रकार से 1/2 है। नहीं, बहुत ही आसान और कॉमन चीज़ है, बट आपके बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 70% का मतलब फिर से वही बात है, 70 और बटे में आप ऐसे 100 भी लिखते हैं, या फिर मैंने जैसे कहा आप ऐसे भी लिख सकते हैं 70 लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे 1/100 का, तो दोनों का मतलब एक ही है, तो 7/10 आ जाता है। यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कब होता है, जब वो किस फॉर्म में हो, पूर्ण भिन्न के रूप में ना हो, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। हालांकि बहुत जटिल नहीं है। तो जैसे मैं कहूँ, यदि आपको बताऊँ यहाँ पे, जैसे दे दिए रहो 16 सही 2/3%, अब इसको भिन्न के रूप में दिए, इसमें दो काम करना पड़ता है। पहला काम क्या है कि इसको अपूर्ण भिन्न को पूर्ण भिन्न में करो। तो कैसे करते हैं, आप सबको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है बीच में ऐसा, या इसको देखने का तरीका है, एक्चुअल में ऐसे लिखा रहता है, ये होता है इसका पूर्ण मतलब, जिसमें हम क्या करते हैं इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और गुणा करने के बाद हम इसको ऐसे क्या कर देते हैं, ऐसे प्लस करते हैं। यहाँ पे गुणा, तो 16 3 48 दोनों और उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 50/3% ऐसे हो जाता है। ये पहला काम हुआ। दूसरा काम, अब 50/3% जो लिखा हुआ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, भिन्न ग्रुप में तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 50/3 लिखेंगे और गुणा में हम कैसे करेंगे, 1/100 लिखेंगे। तो आपको पता है 50 में से ऐसा 100 को करेंगे तो 2, नीचे में क्या बचा, 1/3 × 2, मतलब 1/6। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला, यदि 16 सही 2/3% यदि आपका लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका 1/6। इसी चीज़ को आपको समझना है, क्योंकि आप यदि इस चीज़ को भी यदि वहाँ पर सॉल्व करने बैठेंगे तो फिर आपको बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपको तरीका बताऊँगा कि इसको ऐसे डायरेक्ट आप कैसे यहाँ पर याद रहेगा। ये इसका जस्ट अपोजिट में होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ये वाला स्लाइड को थोड़ा सा मैं समय लूँगा, आराम से समझिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन को आप 2-2, 3-3 सेकंड में कैसे बना सकते हैं, यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं 1/2 से शुरू करता हूँ, जैसे कभी मैंने आपको पीछे ही बताया प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो जब आप क्या कर रहे थे, अब आपको परसेंट ग्रुप में लाना है, तो परसेंट चाहिए, तो परसेंट चाहिए तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तभी देखिए आप इसको ऐसे गुणा कर दीजिए, ये देखिए तो आपका क्या आ गया, 50% आ गया। क्लियर है क्या? तो आप जैसे 50% देखे आपको ये 1/2 दिखना चाहिए, या जैसे ही आप 1/2 देखे तो आपके दिमाग में 50% ऐसे छप जाना चाहिए। ठीक है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको मैं एक ऑर्डर से लिखा हुआ हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। 1/2, 1/3 ऐसे, आप जैसे 1/3 ऐसे लिखा हुआ, फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये देखिए इसको आप भाग दे के देखिए, तो 3 3 9, फिर 3 3 हो जाएगा और जो बच जाएगा उसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 में आपका हो जाता है 33/1/3%, 33 1/3%। उसी प्रकार 1/4 का करेंगे, तो 1/4 करिए आप,
फिर से आप क्या करना है, परसेंट मिलाना है, तो परसेंट के लिए आपको 100 को गुणा करना पड़ेगा, 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए 25 बार में जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा आपको 25%। इसको मैंने ऐसे देखिए क्रम से पूरा लिख दिया है, 1/5, 20/5, 100। फिर आपको ऐसे याद रखना है कि आपको तो ऐसा जैसे ही आपको दिखे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि यहाँ पे तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परसेंट में लेके आना है। इसमें लेके आना है परसेंट में। तो देख लीजिए भाई, अब हर आदमी को तो 20 तक का पहाड़ा ऐसे ही याद रहता है। ये देख लीजिए 16 × 6 = 96 होगा, तो 16 तो आ ही जाएगा, 96 है तो, है नहीं। अब क्या बचेगा यहाँ पे, 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 16 × 6 = 96 जी, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 3 = 6। ये देखिए 16 × 2/3, इसी को कैसे लिखा जाता है, तो इसी को कैसे भी तो लिखा जाता है, अभी मैं आपको बताया। 100 आपस से 6 लिखेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0 और 2 × 3 = 6, मतलब 50/3 भी लिखते हैं और 16 × 2/3 भी लिखते हैं। देखिए कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या बच्चों जैसे ये छोटे छोटे गुणा भाग सिखा रहे हैं, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूंगा तो यही बच्चों वाला खेल देखिएगा, आपको कैसे 2-2, 3-3 सेकंड में क्वेश्चन को बना के आपको दिखाएगा। ठीक है, क्या आगे देख लेते हैं, 6 का देख लीजिए, 7 का भी देख लीजिए, 14 × 7 = 98 होगा, है नहीं। डायरेक्ट हम ऐसा, अगर हम दिमाग से ऐसे देखिए, दिमाग की गति ज़्यादा फास्ट होती है आपके हाथ में मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन करने का। तो देखिए 14 × 7 = 98 होगा, ये देखिए ऊपर क्या बचे 2 और नीचे में 7, ये देखिए 14 × 2/7। वैसे जब 8 का पड़ेगा तो 12 × 8 = 96 होगा 12 × 8 = 96, तो आप लिख लीजिए ऐसे 12 लिख लीजिए, 96 कितना बचा, 4 बचा, इधर बचा 8, देख लीजिए 4 × 4 = 4, 2 = 8, तो 12 × 1/2, या हम इसको 12.5 भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कह देते हैं, 25/2 भी लिख देते हैं। तो बस दिखने दिखने का तरीका अलग है, लेकिन आपका ये जो है क्वेश्चन को बहुत ही आसान और सरल तरीके से कर देगा। इसको कम से कम आपको मैं कहूँगा 11 तक तो बिल्कुल आप इसको याद रख लीजिएगा, 1/9, तो 11 यानी 99 से 1/9, 10 को बहुत सरल है, आप क्या करेंगे 100/10 लिखेंगे तो 0 पड़ जाएगा। और अंतिम मैं कहूँगा 11 तक रख लीजिए, क्योंकि देखिए 9 से आप जब भाग देते हैं 9 को 100 से, तो 11 यानी 99 आता है, तो 11 × 1/9 होता है, और जब 11 से करेंगे तो ये देखिए 9 × 1/11 हो जाता है, ये देखिए अपोजिट हो जाता है ये। तो बस आप 11 तक कम से कम इसको याद रख लीजिए, आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, तो चलिए अब क्वेश्चन किस प्रकार से आता है क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट देखते चलते हैं। जैसे देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी SSC वगैरह में, ये कभी ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कैटेगरी में नहीं बांट के रखा गया, भाई परीक्षा है, परीक्षा है, कुछ भी क्वेश्चन दे देता है, एक नंबर में यही क्वेश्चन आ जाएगा कि 600 का 20% क्या होगा। तो आपके दिमाग में चलना चाहिए जब यहाँ पे परसेंट है, मतलब बटे में 100 बाय डिफॉल्ट है, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ पे परसेंट दिखा, आपके दिमाग में छिप जाना चाहिए कि मुझे ये परसेंट को मैं डायरेक्ट इन दोनों जीरो से काट दूंगा, ऐसा दिमाग में चलते रहना चाहिए कि परसेंट है मतलब बटे में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 100 है, तो 0 में से काट दिया, ऊपर में 20 × 6 = 120, तो ऐसे आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, आंसर आ जाएगा 120। क्लियर है क्या, कैसे, तो देखो भाई 600 वैसे 20 लिखोगे, परसेंट मतलब बटे में 100 है, ये देखो ऐसे करोगे 20 × 6 = 120। लेकिन इसी चीज़ से आपको बचना है, आपके दिमाग में इतना मतलब स्पीड पकड़ लेना चाहिए कि जैसे मुझे परसेंट दिखा मैं 2 का फटाक से काटूंगा। क्लियर है क्या, बात करते हैं नेक्स्ट, 600 का कितना प्रतिशत, देखिए इस बार आपको कितना प्रतिशत 180 आंसर दे दिया है। अगर इसको मैं ये जो हिंदी में जो लिखा हुआ उसको गणित की भाषा में कन्वर्ट करूँ तो ये ऐसा है, 600 का मतलब ऐसा होता है गुना कितना प्रतिशत, मैंने कहा x प्रतिशत, तो परसेंट है मतलब बटे में 100 है, कितना है 180 होगा, तो 180 होगा ये है। ठीक है क्या, तो जैसे ही मुझे परसेंट दिखेगा तो मैं इसको ऐसे काट दूंगा। ठीक है क्या, अब देखिए यहाँ पे 6 और ये देखो 6 × 3 = 18 और ये देखो 30, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 30। इसको अब हम कैसे करेंगे, तो यदि आपको वन लाइनर नहीं बनाना है तो देखिए हम 0 से 0 ऐसे काटेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, मैंने पहले ही बताया हुआ है अगल बगल ऊपर नीचे कट जाता है, तो 6 × 3 = 18 और ये 0 मतलब कितना प्रतिशत, तो 30%। ये क्या कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक क्या कि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, दूसरा आपको परसेंट में बदलने आना चाहिए। तो भाई मेरे 3 किलोग्राम का 3 मैंने लिखा, प्रत्येक किलोग्राम में कितना होता है आपका 1000 होता है ना, 1000, तो आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे बटे में 100 है, तो 2 तो कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो आप गुणा भी नहीं करेंगे तो भी आपको क्या हो जाना चाहिए। चलिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, 3 का 3 लिखा, किलोग्राम को मैंने यहाँ पे 1000 लिखा, फिर मैंने लिखा x परसेंट, तो परसेंट है, तो देखिए अभी भी ये लिखने का मैंने तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे 2 काट सकते हैं। इधर क्या है आपका 12, क्योंकि देखिए किलोग्राम को ग्राम में इसलिए बदलना है क्योंकि दोनों पक्षों में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ क्या होना चाहिए, यूनिट समान होना चाहिए। क्लियर है क्या, तो ये देख लीजिए कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है, देखो 3 × 4 = 12, इधर है आपका 10, तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, तो x का मान आ जाएगा आपका 2/5, ये इसी को आप लिख सकते हैं 4.5।
प्रतिशत में पूछा है तो 0.4%। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4:5 बराबर एक्स परसेंट, कितना परसेंट? 4:5 को आप प्रतिशत के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कई बार ऐसा होता है कि समझ में ही नहीं आता कि प्रतिशत कैसे लिखें, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। 4:5 मतलब 4/5 लिखा हुआ है, और एक्स परसेंट मतलब आपको तो पता है, एक्स परसेंट मतलब एक्स बटे सौ, ठीक है ना। परसेंट मतलब 100 है जी, जो कट जा रहा है सो काट लीजिए। ये देखिए 20×5=100, तिरे गुणा तो करने आते ही है सबको, तो एक्स का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 80%। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, बेस बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है नहीं? तो देखिए, किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि उसका 200% 90 है? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि लोग ना उस संख्या को मान लेते हैं कि मान लीजिए वो संख्या x है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x मान के बनाइए, y बना के बनाइए, कुछ ही बना सकते हैं। लेकिन परसेंट वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि आप चाहे 1 रुपये का परसेंट निकालिए 100% उतना ही होगा, या 2 रुपये का 100% निकालिए उतना ही होगा। तो जब बात परसेंट की होती है तो सबसे सरल और आसान हो जाता है, तो आपको कोई भी वैल्यू मानने की आवश्यकता ही नहीं है, सबके लिए समान आने वाला है। आपको डायरेक्ट डायरेक्ट क्या दिया है, देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे सोचना कैसे है। 200% का मान दिया है 90, मुझे कितना निकालना है, 80% निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे डायरेक्ट दिख रही है 0-0 कट रहा है मेरा, मतलब 20 का मान कितना गया, 9 आ गया। मुझे 80 बनाना है, तो मैं 20 को 80 कैसे बना सकता हूँ? तो 20 को 80 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 4 का गुणा करूँगा, 20 चौक 80, तो इधर भी मैं 4 का गुणा कर देता हूँ, 9 चौक 36, तो 80% का मान कितना आ गया आपका 36। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसी को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि भाई मुझे 200% का मान दिया है 90, तो मैं 80% का मान निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। मान लिए भाई 200% का मान 90 दिया है, 80% का मान एक्स, अब इसको आप क्या कर लीजिए, ऐसे पक्षांतर कर लीजिए एक दूसरे की तरफ, कर लेंगे ना, तो एक्स इस तरफ आ जाएगा और इधर आ जाएगा ऐसे, तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, तो इसको लिख सकते हो आप एक्स इज इक्वल टू, इधर 90 पहले से था, 80% आ गया, ठीक है, और आप इधर ऐसे चाहो तो बटे में ऐसे 200% लिख सकते हो। तो देखो परसेंट से परसेंट यहाँ पे कट जाएगा, लिखने का सकता ही नहीं है, 10 यहाँ से कटेगा, ठीक है ना, नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा, और क्या कटेगा आपका, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या कहा, 200% बराबर 90 था, तो हमने इसको पक्षांतर कर दिया ना जी, तो फिर आप इसको कैसे काट लीजिए, ये देखिए 10 यहाँ से ऐसे कट जाएगा, और कैसे काट लीजिए, 2 चौक 8 ऐसे काट लीजिए, तो क्या बच जाएगा, 9 चौक 36, कुल मिला के आंसर वही आएगा कि नहीं आएगा? तो देखिए, ज़्यादा नहीं सोचना है परसेंट में, जैसा दिया है मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, 200% दिया हुआ था, तो मैंने कहा 90, ठीक है, तो 0 0 मैंने ऐसे काट दिया, डायरेक्ट मुझे दिख रहा था, तो मुझे 80 चाहिए, तो 20 चौक 80, 4 का गुणा कर दिया, तो इधर भी मैं 4 का गुणा करूँगा, तो 9 चौक 36 आंसर आ जाएगा, ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 500 का एक्स परसेंट 300 दिया है बराबर 300 का वाई परसेंट, ठीक है, ये दोनों बराबर है, देखिए कैसा कह रहा है क्वेश्चन में, 500 का एक्स परसेंट बराबर 300 का वाई परसेंट, ये एक है, तथा 200 का वाई परसेंट का एक्स परसेंट बराबर 60 है। देखिए दो अलग अलग समीकरण दिया, ये पहला है ये दूसरा है, और आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का मान कितना आएगा, ठीक है क्या। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि दो कांस्टेंट है तो पहले हमको कुछ ना कुछ तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो जो जो मिल रहा है हम उसको पहले पहले बनाते चलते हैं, ठीक है क्या। तो चलिए पहले समीकरण से हम फोकस करते हैं, तो इसको कैसे लिखा जाता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप यहीं से देखिए, बराबर का चिन्ह मतलब कुछ कुछ चीज़ें बिल्कुल आसानी से कटेगा, कौन कौन, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से परसेंट को काट रहा हूँ, कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखो 2 0 2 0 यहाँ से कटेगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्वेश्चन में ही काटिए, ऑनलाइन एग्जाम दिला रहा है तो भी देखिए ना, भी कट रहा है ऐसा समझिए ना आप उस चीज़ को, ठीक है। इधर बच रहा है आपका 5x, इधर बच रहा है आपका 3y, क्योंकि देखिए दोनों कांस्टेंट अभी कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो मैं इसको यहीं पे रोक देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको कैसे देखेंगे आप, तो इसको भी देखने का तरीका बता रहा हूँ, जहाँ पे का लिखा मतलब उसका मतलब तो गुणा होता है, हालांकि मैं बॉर्डमास अभी पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा आपको किसी दिन, का मतलब होता है ऐसा गुणा, का को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, गुणा के रूप में वो रहता है, ठीक है, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे जो परसेंट है इसका मतलब एक्स वहाँ पे 100 है, तो आप क्या कर लीजिए, ऐसे 0 को ऐसे काट दीजिए, कहने का मतलब भाई यहाँ पे 2 है, y है, बटे में जो 100 था उसको तो हमने काट दिया है, और यहाँ पे है आपका x के बटे में, यहाँ पे भी 100 है ना, परसेंट मतलब 100 है, इस तरफ आपका 60 है, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे बटे में से क्या है आपका 100 है, ठीक है ना, यहाँ से 200 से काट दीजिए, तो 2
तिया अदोज। देखो कोई दिक्कत है क्या? तो ये देखिए यहाँ पे क्या बचा है आपका, वाई एक्स बचा है, और इस तरफ 100 का ऐसा अपन भेजते हैं तो 30 × 100 हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या है इसको? इस चीज़ को लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप जितना कम लिखेंगे उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपका जो है समय कम लगने वाला है। इसको आप ऐसे लिखेंगे 200 का वाई का 100, फिर एक्स का 100 इज इक्वल टू 60। अरे भाई, तो इस चीज़ को लिखने क्या हो सकता है आपको, तो काटने से मतलब है ना। देखो 0 0 कटेगा, ठीक, इधर 2 बचा है तो इधर 30 हो जाएगा, और इधर ऐसे 75। तो चलिए मैं दोनों को लिख लेता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिला, डायरेक्ट मुझे दिख रहा, देखो 0 से 0 काटा मैं, परसेंट से परसेंट काटा, तो इधर बचा 5x इज इक्वल टू 3y बचा। इसको करने पे मुझे क्या मिला, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, इधर मुझे मिला 30 और गुणे में से 100। तो 30 कैसे आया मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये देखो परसेंट का कटा, और यहाँ पे परसेंट का जो मुझे 100 मिलने वाला था, और इसको मैं जब 2 से भाग देती है 30 बार में गया, तो देखो 30 × 100 लिख दिया। अब किसी भी एक व्यंजक के बदले में आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है ना। तो आपको क्या कर लेना है, किसी भी एक को बदल दीजिए। आप क्या है, एक्स के बदले में रखिए या वाई के बदले में रखिए। तो यदि आप इस यहाँ से 3 को इस तरफ पक्षांतर करिए तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 5x/3। आएगा कि नहीं आएगा भाई? मैं 3 यहाँ पे गुणा के रूप में था, इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो ये भाग के रूप में चले गया, चले गया। अब यहाँ पे y का मान रख दीजिए, तो 5x/3, x के वैल्यू तो x है ही है, इस तरफ भाई मेरे 30 × 100 है ना। चलिए 5 का पहाड़ा तो पढ़ ही सकते हैं, 5 × 6 ऐसे 30 कर लो, ठीक है। और आपका इधर इस तरफ क्या बचा हुआ है आपका, इधर देखो x का स्क्वायर हो जाएगा, 3 को जब आप इधर भेजोगे तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 3 = 18, और मल्टीप्लाई आपका तो 100 है ही। अब मैं 100 को इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वर्ग है, तो वर्ग हटेगा तो वहाँ पे उसको क्या कर दूंगा मैं, उसको जब मैं वर्ग हटाऊंगा वहाँ पे तो क्या हो जाएगा मेरा वो, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 10 लिख दूंगा ना जी इसको, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, तो फिर चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसको आप एक्स करोगे ना तो ये रूट में से चले जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा मेरे भाई 100 का हो जाएगा आपका 10, और जब आप 18 को करोगे तो आपका 18 का क्या निकल जाएगा, तो 18 को जब आप तोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2 × 4 है नहीं, और कितना, 9 × 18 कर देते हैं ना, तो बस, तो फिर चलो 2 3 3 में से आपका टूटेगा जी, तो यहाँ से आपके क्या निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा, तो 18 का हो जाएगा मेरे भाई 3√2, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका 30√2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 वर्गमूल में 2। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको पक्षांतर करो, आप दूसरे ओर से अगर आप x का भी मान आप कर लेते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं रहता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए आप इसको ऐसे रख लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका y को ऐसे रख लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा 3y/5, इधर तो आपका 30 और 100 ही है, यहीं से आप ऐसे काट सकते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाला नहीं है। ये देखिए कैसे करोगे आप, तो 3, ये देखो 3 × 30 हो जाएगा, तो 10 इधर और बढ़ा लो, है नहीं, और आपका क्या हो जाएगा, ये 5 को जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा इधर, और आपका इधर कितना था 1000, तो आपका था ही। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 10 लिख सकते थे, और इसको आप ऐसे 100 लिख सकते थे ना, तो बिल्कुल, तो आपका आंसर फिर भी आपका सेम आएगा। आप करके देख लीजिए, वाई स्क्वायर कर लीजिए, है नहीं, तो वो सेकंड का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन चूंकि क्वेश्चन ने मेरे से एक्स पूछा था तो मैं एक्स का वैल्यू निकाला, ठीक है ना। तो आपसे जो भी पूछा जाएगा आप उसका वैल्यू निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 60% की वृद्धि करें और हर में 40% कम करें तो भिन्न 2/5 हो जाता है। जब भी क्वेश्चन में परसेंट की बात होती है तो हम उसको क्या मान के चलते, 100%। अब मेरे पास यहाँ पे भिन्न है, मतलब ऑब्वियस है, एक अंश होगा और एक आपका हर होगा, होगा ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया मेरे पास अंश और हर के बारे में, डायरेक्ट कहता है कि आप अंश में 60% बढ़ा दो और हर में आपका क्या कर दो, 40% कम कर दो। तो मैं मान के चलता हूँ कि मेरा अंश भी 100% है और मेरा हर भी 100% है, तो मैं जब इसको 60% बढ़ाऊंगा तो डायरेक्ट 160 हो जाएगा, और जब मैं 40% कम करूंगा मेरे भाई तो 100 में से 40 जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये 60% हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 100 में से मैंने 60 बढ़ाया तो 160 हो गया, और 100 में से जब मैंने 40 कम कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 0 0 कटा, 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, तो देख लो भाई मेरा क्या आ जाएगा, ये 8/3। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना। चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं क्या अपन, नहीं तो यहाँ पे कुछ और भी दिया हुआ है हमारे पास, हमारे पास अभी 2/5 हो जाता है बोल रहे हैं ना,
तो बस फिर और क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 2/5 रहता है, मतलब इस तरफ आपका क्या दिया हुआ है, 2/5। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये देखिए कि मेरे पास क्या है, 160% की वृद्धि होती है और इधर 60% की कमी होती है, तो मेरा यहाँ पे मान क्या हो जाता है, 2/5 हो जाता है। मतलब मेरा यहाँ पे मान के चलता हूँ मैं कि मेरे पास जो भी आपका क्या है अंश है, उसको मान लेते हैं मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ और वाई को मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, वाई मान लेता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए मेरे से वो कितना भिन्न नहीं पूछा है, वो ओरिजिनल उसका दे दिया है कि जब आप इसमें 60% बढ़ाते हैं और 40% कम करते हैं तो भिन्न 2/5 होता है। तो मान के चलता हूँ कि मेरे पास शुरुआत में एक्स रहा होगा, तो एक्स में मैंने क्या कर दिया, 60% बढ़ा दिया तो 160 हो गया, और वाई में मैंने 40% कम किया तो 60 हो गया। देखिए 0 0 मैंने अभी काट के दिखाया आपको। अब यहाँ पे देखिए आप चाहे तो इसको भी ऐसे काट सकते हैं, देखिए 2 8 16 यहाँ से कट जाएगा, कटेगा। अब इसको आप करेंगे तो 2 4 8 और ये 2 3 आपका 6 हो जाएगा। अब आपका काम आसान हो गया, इसको इधर भेज दीजिए और इसको आप इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 3/20 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया क्या, देख लीजिए भाई, किसी भी ने के अंश में 60% बढ़ाना है तो मैं 60% बढ़ाऊंगा तो 160 हो जाएगा, और 40% कम करने बोला था हर में तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट 40% 100 में से कम कर दिया तो 60 हो गया। एक आध और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए भिन्न है, फिर से वही बात है कि मेरे पास एक्स वाई दिया गया है, तो ये देखिए मेरे पास एक्स और वाई ऐसे भिन्न के रूप में दिया गया है, इसमें 100% बढ़ा दो, ओरिजिनल कितना परसेंट रहता है, 100%, 200 और दे दो तो कितना हो जाएगा आपका, 300% हो जाएगा। और हर में कितना करना है, 150% कम कर दो, कितना कर दो, हर में 150% की कमी कर दो। अरे भाई मेरे कैसे करोगे इसको, तो अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि 100 है तो फिर 150 कैसे कम करोगे, है नहीं, तो यहाँ पे ये कमी नहीं है, ये भी वृद्धि ही है, वो क्वेश्चन में जो है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ये वृद्धि है ये, ठीक है क्या, टिक कर लीजिएगा। तो अंश में 100% बढ़ा दो और हर में क्या कर दो, 150%, इसमें भी क्या कर दो, वृद्धि कर दो, तो 100 में 150 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, ये 250% हो जाएगा। और ऐसा कुछ करने के बाद आपका जो फाइनल वाला जो भिन्न है वो क्या हो जा रहा है आपका, 4/5 हो जा रहा है। देखो 0 से 0 ऐसे काट देते हैं, देखो इसको कैसे काटेंगे, 5 6 30 और ये तो हो जाएगा 5 5 25। फिर से हम इसको क्या कर लेते हैं, देखो इधर से लेफ्ट राइट हमारा ऐसे कट जाएगा, बचा क्या, कुछ कुछ नहीं बचा, इधर 2 2 4 इधर हो जाएगा 2 3 6, तो 3 को इधर भेज दीजिए, तो इस प्रकार से आंसर आ जाएगा 2/3। क्लियर है क्या, कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। यदि किसी संख्या को 20 से गुणा करने को कहा गया और गलती से वो 30 से गुणा कर दिया, तो सही उत्तर में कितने प्रतिशत अधिक उत्तर प्राप्त होगा। अब ऑब्वियस है भाई, मैं आपको 20 से कहा था 30 कर दिया तो आंसर तो ज़्यादा आने वाला है, लेकिन कितना आंसर आएगा वो प्रतिशत में आपको बताना है। तो देखिए बहुत आसान सरल तरीका, करना था 20 से कर दिए 30 से, यहीं पे क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ। तो कितने का आपने ज़्यादा का फ़र्क कर दिया जी, 10, आपने 10 का ज़्यादा कर दिया, करना था 20 कर दिया 30, तो कितने का अंतर दिख रहा है आपको, 10 का अंतर दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो हम लोग अधिक पूछा है ना, यदि पूछता कि 20-30 का है तो कितना प्रतिशत, नहीं तो मैं क्या करता इसको, यदि क्वेश्चन कहता मेरे भाई कि 20 की जगह 30 से कर दिया गलती से तो कितना प्रतिशत आपका आंसर प्राप्त होगा कहता तो अलग होता, लेकिन अधिक कह दिया, मतलब अधिक कैसे निकालेंगे जी, जब घटाओगे 30 में से 20 को घटाओगे तभी पता चला कि हमको कितना 10 अधिक किए हो, तो मैं क्या कहूँगा 10 किसके सापेक्ष में 10 ज़्यादा है, तो किसके सापेक्ष में जी, ओरिजिनल आपको करना था 20 और कर दिया 30, मतलब 20 के सापेक्ष में आपने कितना ज़्यादा कर दिया, 10 ज़्यादा कर दिया, और गुणे में कर दीजिए आपको प्रतिशत है, इसलिए 0 0 कट जाएगा मेरे भाई, 2 का पहाड़ा पढ़ दो तो कितना आ जाएगा आपका 50%। तो समझ गया क्या, अधिक कहा है कम कहा है, जब तक आप घटाओगे नहीं ओरिजिनल वैल्यू में से, अभी वास्तविक वैल्यू में से आपका कितना गलती किया उसको घटा दीजिए, तो 30 में से 20 किया आपका 10 और आपको ओरिजिनल कितना था, तो भाई 20 के तो सापेक्ष में ही तो 10 ज़्यादा कर दिया ना, इसीलिए मैंने क्या कर दिया 20 इसको भाग दे दिया है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए देखिए मेरे पास 3 संख्या दिया गया है, ए बराबर 120, बी बराबर आपका है 150 और सी बराबर है 100। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, पहली संख्या कितनी है 120, दूसरी की डायरेक्ट पूछ रहा है, कम ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन को कैसे पढ़ा जाता है, फ्लो में लेफ्ट से राइट की ओर पढ़िए, पहली संख्या दूसरी की किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, दूसरे के साथ। तो पहली संख्या है मेरी 120, दूसरी है कि जिसके कंपेयर किया जाता है उसको हमें से नीचे में लिखा जाता है, या नोट करके लिख लीजिए, जहाँ पे भी प्रश्न में का के की से ऐसा लिख रहा है तो उसको हमें से नीचे लिखा जाता है, ठीक है ना, क्या का के सी ऐसा लिखा रहेगा ना उसको हमें से नीचे लिखा जाता है हर के रूप में।
तो पहली संख्या 120, दूसरी है 150, प्रतिशत निकालना मेरे भाई, ये लो जीरो से जीरो काट लो पैसा, या डायरेक्ट ही देखो ये 50 का 3 गुना है और ये 50 का 2 गुना है, आप यहाँ से ऐसे काट दीजिए 3 × 12 = 0, तो क्या हो जाएगा भाई मेरे 80%। तो पहला जो है दूसरे के सापेक्ष में कितना प्रतिशत है, 80% है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देख लेते हैं सेम क्वेश्चन में आपसे, देखिए 2 क्वेश्चन और पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी से कितनी कम है और दूसरी संख्या पहली से कितनी अधिक है, ठीक है क्या? तो पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं, तो पहली संख्या दूसरे के सापेक्ष में कितना कम है, तो कम है या ज़्यादा कहेगा तो हम घटाएंगे ना भाई, अभी मैं बताया था आपको, तो 120 को 150 में से 120 को घटाइए तो सही, तो आ जाएगा 30। तो जो परिणाम रहता है उसको ऊपर में लिखते हैं, किसके सापेक्ष में, तो तुलना किससे कर रहे हो, दूसरे से तुलना कर रहे हो ना भाई, या मैंने क्या कहा था का किसी दूसरे में लिखा है, दूसरे का मान कितना है आपका 150 है, गुणा कर दीजिए आप किसका 100 का, तब आपको क्या करना रहेगा यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 50 का 3 गुना है, ये 50 का 2 गुना है, 3 × 30 लिख दीजिए, तो 10 × 20%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि पहला वाला संख्या दूसरे वाले संख्या से 20% क्या है, कम है, क्या है, कम है। तो अब दूसरा क्वेश्चन जब पूछेगा कि दूसरी संख्या जो है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो क्या सोचेंगे आप, अपोजिट, भाई ये 20% कम है तो वो 20% ज़्यादा होगा, तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप कंपेयर करेंगे दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तब आपका जो हर है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यहाँ पे 150 है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा भाई, कैसे, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, तो भाई आप कंपेयर करो पहला दूसरा में कितने का अंतर आएगा, 30 का अंतर आएगा, तो 30 को लिखोगे आप उत्तर, मैं इसका सूत्र के रूप में लिख देता हूँ, चाहे क्वेश्चन में कम पूछे या अधिक कहे या ज़्यादा कहे, उसको ऊपर लिखा जाता है अंश के रूप में, और बटे के रूप में जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे लिखा जाता है, जिससे आप तुलना कर रहे हैं या क्वेश्चन में जहाँ पे भी से का की के ऐसा लिखा रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 30, किसके सापेक्ष में, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 120, गुणा कर दीजिए आप 100 का, ये देखिए 0 से 0 आप ऐसा काट दीजिए, 3 × 12 कर दीजिए, और ये देखिए 4 × 25, मतलब पहली संख्या के सापेक्ष में दूसरी संख्या 25% ज़्यादा है, जबकि पहली संख्या दूसरे संख्या के सापेक्ष में 20% कम है, ठीक है क्या? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे यही जो 3 क्वेश्चन है वो मुझे आप बी और सी के लिए बताएंगे कि बी सी से बी सी का कितना परसेंट है, या दूसरी संख्या पहली से या तीसरी संख्या से का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या तीसरे संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, करके देखेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 2 संख्याएँ हैं, 2 संख्या जो है तीसरी संख्या से 60% और 20% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, इसमें आपको 2 चीज़ निकालना है भाई, ऐसा मत कर देना कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी संख्या मेरी 20 है, पहली संख्या यहाँ पर 60 है, गुणे में सब, ऐसा नहीं भाई, ये दूसरी तीसरी संख्या या पहली दूसरी संख्या नहीं है, ये है हमारी दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से हमारी ज़्यादा है, अधिक है बोला ना भाई, मतलब मेरे भाई ये देखो ऐसे 3 संख्याएँ हैं, तो जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं ना वो इसके सापेक्ष में ये 60% अधिक है और ये 20% अधिक है, तो परसेंट में हम क्या कहते हैं, हमेशा हम क्या मान के चलते हैं, 100% मान के चलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मान लेते हैं ये 100 है, तो ये हो जाएगा मेरा 160 और ये हो जाएगा मेरा 120, देखो ये 60% ज़्यादा है और ये 20% ज़्यादा है, लेकिन अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ, डायरेक्ट मेरे से क्या पूछा मैं उसको फोकस करूँगा, तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो देख मेरे भाई दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, तो दूसरी संख्या हमारा किसको हम मानेंगे, तो दूसरी संख्या हमारी 120 नहीं हो जाएगी जी, पहली 160 होगी, दूसरी 120 होगी, तो मैं क्या करूँगा 120/160 गुणे में करूँगा ऐसे 100 का, और आपको देख लीजिए मैं काट के दिखा देता हूँ, ये देखो 0 0 ऐसे काट लो, 4 × 3 = 12, 4 × 16, और देखो 4 × 25 = 100 है नहीं, और 25 × 3 = 75, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या की 75% है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से क्या कह रहा है, देखिए कि जो 2 संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से 40% और 46% कम है, फिर से वही बात मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, मैं इसको मान के चलूँगा 100% है मान लीजिए तीसरी संख्या, तो जो मेरी पहली संख्या है ना
वो 60% हो जाएगी क्योंकि 40 कम है, और जो दूसरी वाली है वो क्या हो जाएगा मेरा 54% क्योंकि उससे वो 46% कम है। अब पूछ लिया है कि जो दूसरी वाली संख्या है मतलब हमारा 54 जो है वो क्या कि पहली वाली संख्या मतलब 60 से कितना परसेंट कम है। तो देखो भाई कितना परसेंट कम है, ये तो 6% कम है ना, 60 में से 54 घटा लीजिए ना जी, इसके सापेक्ष में तो पहली संख्या के सापेक्ष में, तो पहली संख्या कितनी है 60 है, क्लियर है क्या, गुना कर दीजिए भाई 100 का, देखो 6 × 60 या आप डायरेक्ट 0 0 कैसे काट देते तो आ जाएगा भाई मेरे 10% आपका कम है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है और लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से बनाते हैं और सबका सही रहता है, ऐसा नहीं कि वो गलत बनाते हैं, लेकिन बात होती है समय बचाने की। तो मैं आपको यहाँ पे 3 तरीका बताऊँगा और सबसे आसान और सरल तरीका बताऊँगा, वो आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आया हुआ अभी तक जो बता रहा था उसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार बना के बिल्कुल रख लीजिए इसको, ठीक है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, संख्या दो संख्या है ए और बी, तो जो ए है ना वो बी से 25% ज़्यादा है, तो पूछ रहा है कि बी ए से कितना परसेंट कम है। तो कुछ लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ये 25% ज़्यादा होगा तो ये भी 25% कम होगा और आंसर लगा के आ जाते हैं, जो बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपको सबसे पहला तरीका बता रहा हूँ, मेथड 1। क्या करिए आप, आपके पास दो अलग अलग है ना, तो भाई देखिए कौन ज़्यादा कह रहा है, ए ज़्यादा है किससे, बी से, तो जो हमको जिसको कम ज़्यादा करना है ना उसको रोक के रखिए और उसके सापेक्ष में दूसरे वाले को आप 100% मान लीजिए, क्योंकि 100 में जितना ज़्यादा कम कहते हैं उसको कम ज़्यादा कर लीजिए, तो ये ऑटोमेटिक 125% हो जाएगा। ये देखिए ए बी से 25% ज़्यादा हो कि नहीं हुआ, अब आपका काम ख़त्म हो चुका है। आपको पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो कम है मतलब कम हो या ज़्यादा हो उसको हम क्या करते हैं आपस में घटा लेते हैं मेरे भाई, तो जो कम ज़्यादा रहता है हम उसको ऊपर लिखते हैं और किसके सापेक्ष में कंपेयर किया जा रहा है उसको हम लोग हर में लिखते हैं, तो ए से का की से को हम लोग नीचे लिखते हैं या जिसे तुलना करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, तो देखो 100 आ जाएगा आपका, आ जाएगा ठीक है ना, और आपका सॉरी किससे, ए से कहा है ना, तो 125 है ना जी, ये 125 लिखेंगे और गुणे में आ जाएगा आपका 100, क्लियर है क्या। अब देखिए 25 पंचे और देखो 5 बीसम, तो कुल मिला के आंसर क्या जाएगा आपका 20% कम है। ये है पहला तरीका, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया कि जो चीज़ मुझे कम ज़्यादा करने को बोला है उसको छोड़ के उसके जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना उसको आप 100% मान लीजिए, ठीक है, उसके बाद का काम तो आपको पता ही है, अभी मैंने पहले 3-4 क्वेश्चन कराया हुआ है। इसी को दूसरा तरीका देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है 25%, तो आप सबसे पहले 25 ऊपर लिख लीजिए, लिख लिए, परसेंट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब 25% के बाद क्या लिखा है, अधिक लिखा है कि कम लिखा है, अधिक लिखा है ना, तो आपको 100 में कम ज़्यादा करना है, मतलब आप इसको 100 + 25 ऐसे लिख दीजिए क्योंकि अधिक का, इसलिए तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 125, और आपको प्रतिशत में लाना है इसलिए आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, ये देखो 25 पंचे और ये देखो 5 बीसम, तो कुल मिला के आंसर आ गया 20। ये था मेरा दूसरा तरीका, क्लियर है क्या, आंसर सेम आया। थर्ड एंड लास्ट और सबसे आसान तरीका, इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 20, कैसे आएगा तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ये चार्ट याद होगा, 50% से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो 50% के बाद आता है 33 1/3%, फिर आता है 25% और 25% के बाद आता है 20%, 20 के बाद 16 2/3, फिर 14, फिर 12, फिर 11, फिर 10 आता है ना। आपसे कहा 25% से कम पूछा है, देखो 25% क्वेश्चन में दिया है और उससे कम कहा है, तो देखो 25% से कम कितना होता है 20%, तो आंसर आगे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं, बस ये टेबल याद रखना, 25% कम कह दिया 20%, बात खत्म, क्लियर है क्या। और एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ, ए बी से 20% कम है, डायरेक्ट इस टेबल में देखिए क्वेश्चन में दिया है 20% और पूछ रहे हैं अधिक, तो 20% से अधिक क्या आता है आपका, जस्ट ऊपर देखिए, अधिक कह रहे मतलब तो भाई ऐसे डायरेक्ट 50% भी ऐसा नहीं, उससे जस्ट अधिक कितना होता है, तो 25%। देखिए आंसर मैं सिद्ध करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, 20 आपका कितना आंसर आएगा इसका, 25% आंसर आएगा। तो पहला तरीका जो मैं आपको बताया हूँ, पहला तरीका क्या कि भाई मेरे
ए को कम ज़्यादा करना है तो बी को मान लो 100, और ए को करना है 20% कम तो 100 में 20 कम करोगे तो हो जाएगा 80%। हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, कम ज़्यादा पूछा है, तो इसको घटाओगे तो क्या आ जाएगा आपका 20 आएगा। किसके से तुलना करना है, ए से तुलना करना है। ए से तुलना करना मतलब ए का मान है 80, गुणा कर दो 100 का, ये देखो 20 चौके 80, और देखो 4 को 25 से 4 25 हम 100, मतलब 25% आपका आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका कि आपको प्रश्न में जो भी दिया गया उसको आप सबसे पहले लिखिए। तो दिया है सिर्फ 20 दिया है ना, तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा मैं से 20 लिखूँगा, बटे में 100 में कम ज़्यादा करना रहता है, ठीक है ना। ये देखिए, तो मैंने कहा पहले 20 लिखा, फिर 100 में कम ज़्यादा करो, 20% कम कहा तो मैं 20 घटाऊँगा, तो ये जाएगा 20 बटे 80, गुणे में कर दो भाई मेरे 100, आपका आंसर आ जाएगा 20 चौके 80 4 25 हम 100। आ गया आंसर। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया टेबल से, तो ये देखो भाई क्वेश्चन में दिया है 20%, तो 20% पे आप चले जाइए डायरेक्ट, कम कहा है तो नीचे, ज़्यादा कहा है तो ऊपर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दिक्कत नहीं आता है जी, जब डायरेक्ट दिया तो दिक्कत नहीं आता, दिक्कत कहाँ था मैं वो भी बताता हूँ। अब देखिए 11 से 1/9% कम कह दिया है ना, अब आपको इसको अधिक ढूंढना है, तब ये देखो जब भिन्न हो और जब अपूर्ण भिन्न हो तब दिक्कत आता है। अब अगर आपको ये टेबल यदि याद रहेगा कि 11 से 1/9% से अधिक कौन होता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि 12 से 1/2% कहें या 12.5% कहें या 25/2% कहें या 1/8 कहें, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगर मैं इसको बेसिक तरीके से बनाता तो कैसे बनाता, तो यदि मैं आपको कहूँ इसको, तो भाई मेरे मैं क्या कहूँगा इसको, 11 से 1/9 को पहले मैं तोड़ूंगा तो हो जाएगा आपका 100/9% आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यदि मैं दूसरा मेथड से बनाता हूँ, यदि पहला मेथड से बनाऊंगा तो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन देखिए इसमें क्या कहते हैं, पहले जो भी परसेंट दे उसको लिखते हैं और फिर उसमें हम 100 से कम ज़्यादा करते, इसमें क्या हो जाएगा 100/100/9। देखिए परसेंट जो दिया उसको मैंने लिखा, दूसरा तरीके से बता रहा हूँ आपको, और 100 से कम ज़्यादा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, यही तरीका है ना। देखिए परसेंट को बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, परसेंट तो ऐसे भी कटने वाला है, ऊपर में 100/9 बचा है, ठीक है। यहाँ पे जब आप परसेंट को जब हटाओगे, यहाँ पे ऐसा परसेंट है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा हमारा। अभी हम परसेंट को खैर नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्ट काट देते हैं, ठीक है। चलिए हम परसेंट को नहीं लिखते, परसेंट को डायरेक्ट काट देते हैं, हालांकि कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं काट दिया। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक है पक्षांतर के लिए, तो हो जाएगा 900, और 900 में से एक आप 100 चले जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 800। तो कुल मिला के बचा मेरे भाई, ऊपर में बचा है 100/9, नीचे में क्या हो जाएगा आपका, ऐसा करोगे तो 900 में से 100 जाएगा तो हो जाएगा आपका 800, और 8/9, ये देखो आपका 9 कट गया, ये देखो 0 कट गया, और आपको परसेंट के लिए ऐसा 100 का गुणा करोगे तो इधर क्या बचेगा आपका 1/8 × 100, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा ये 1/8 गुने में आएगा 100, ये देख लो 4 × 8 = 4 25 हम 100, मतलब आप चाहे लिखो तो 25/2 लिखो या इसको 12 से 1/2% लिखो, कुल मिला के बात वही है। तो अब देखिए इतना तामझाम करेंगे यदि एक नंबर के लिए, तो आपका 1 मिनट प्लस में आंसर जाएगा। क्या मतलब ये सब करने का, डायरेक्ट आप क्या करिए इस छोटे से चीज़ को याद रखिए ना भाई, क्या दिक्कत है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मदद करेगा ये। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, 16 से 2/3% अधिक कह दिया है आपको और आपसे कम पूछ रहा है, तो भाई मेरे डायरेक्ट देखिए 16 से 2/3% आप यहाँ पहुँच जाइए, कम कह दिया है तो आपको पता है कि 14 से जस्ट नीचे आते हैं तो हमारा आता है 14 से 2/7%, ठीक है ना। तो बस आपका काम ख़त्म हो चुका है। कैसे करेंगे तो मैं फिर से आपको करके दिखा देता हूँ, आप चाहें तो देख लीजिए 16 × 3 = 48, ये हो जाएगा आपका 50/3%। फिर से मैं क्या करूँगा, 100 लिखूँगा प्लस 50/3% करूँगा क्योंकि अधिक कह दिया है, कहाँ है ना। तो आपको यहाँ पे करोगे तो 50/3 हो जाएगा। फिर से आप इसको क्या कर लीजिए, इसको जब आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 350, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 350, ठीक है ना। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल 300 + 50, और ये देखो ऐसे 3, ये देखो 0 कट जाएगा, तो 50/350 है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे काट दो। ये देखो क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35, तो क्या हो जाएगा 1/7, और उसको जब आप करोगे 1/7 को जब गुणा करोगे 100 से मेरे भाई, तो ये देखो 1/7 = 14 × 2/7, कुल मिला के आपका आंसर आने वाला है, टेबल के मदद से ही आएगा within 2 सेकेंड। तो यदि आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो कुछ कर लीजिए ना, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है क्या। चलिए तो ये था हमारा पार्ट 1 था ये, अभी ये काफ़ी लंबा चलने वाला सीरीज क्योंकि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।
इससे पहले मैंने बहुत सारे और भी लेक्चर लिया हुआ है, उन सबका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और यहाँ पे आई बटन के क्लिक पे भी मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।